मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाल्मीकि समाज द्वारा हत्यारों को फांसी की सजा सुनाने को लेकर भोपाल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बाल्मीकि समाज में एवं देश भर के सारे दलित समाज में आक्रोश नजर आ रहा है। भोपाल से साउथ सिद्दीकी की रिपोर्ट। चार लोग हैं, जो भी लोग हैं दोषी उनको सभी को सजा मिलना चाहिए। जिस तरह निर्भया के 14 वर्ष केस चला, वो केस अब इस नहीं फास्ट स्ट्रैक कोर्ट लगाना चाहिए और उसका निर्णय हफ्ते भर में होना चाहिए। आज आपने कलेक्टर भोपाल में ज्ञापन दिया है, हमारा एक दिन का अभी सफाई व्यवस्था बनती और यदि हमारे लोग सभी राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन हमारा केंद्र से जो आदेश होगा, परम आदरणीय चरण सिंह टाक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारत सपा मजदूर कांग्रेस को, जो आदेश वो करेंगे हम उसका पालन करेंगे पूरे हिंदुस्तान में पूरे प्रदेश पर। को भारत बंद का आह्वान जो हुआ था बाल्मीकि समाज का सफाई व्यवस्था बंद को लेकर, आज हमने संपूर्ण भारतवर्ष में सफाई व्यवस्था बंद की है, उसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान रहा है। पूरी इकाइयाँ 52 जिले से 10 संभाग 16 नगर निगम 374 नगर पालिकाओं में हमने ज्ञापन दिया और सफाई व्यवस्था बंद की, क्योंकि हथरस में जो हमारी बहना के साथ जो हमारी बहन हमारी बेटी जो सुरक्षित नहीं थी उसके साथ जो कृत्य किया गया है रेप, उसके लिए हम बहुत आक्रोश है और बहुत दुखी हैं। हम शासन प्रशासन तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से निवेदन करने आए थे, माननीय भोपाल कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया कि हमारी बहन के जो भी निर्दोष लोग हैं उनको सजा दी जाए, फांसी की सजा की मांग की है हमने। और हम नहीं चाहते कि हमें नौकरी या 1 करोड़ या 1 रुपया, हम नहीं, हम तो 1-1 रुपया 1-1 घर से देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री सहयोग राशि में रख लें, लेकिन उनको निर्दोषों को सजा दें, कड़ी से फांसी दें तत्काल प्रभाव से, ये हमारी मांग है आपके माध्यम से। दोषियों को अगर सजा नहीं दे पाएंगे तो हमने आज जो एक दिन का सफाई व्यवस्था बंद की है भारतवर्ष में और हर प्रांत में और भोपाल शहर के अंदर, हम समझते हैं अगर 15 दिन में इसका निर्णय नहीं हुआ और कोर्ट बैठा कर विशेष कोर्ट में इसका निर्णय नहीं कराया तो हम समझते हैं संपूर्ण भारत के अंदर जो व्यवस्था हम जनता की और शहर की और देश की और प्रदेश की सेवा करते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेके या COVID-19 को लेके हम योद्धा के रूप में सैनिक के रूप में हम समझते हैं इसको, हम सभी लोगों से निवेदन है देशवासियों से प्रदेशवासियों से कस्बे गांव और हर जाति भर के लोगों से कि आज हमारी बहन के साथ हुआ है, आपकी भी बहन बेटियाँ हैं और भी बहनों बेटियों के साथ हुआ है, पूरा हिंदुस्तान एक हुआ है और उन जो दोषियों इन लोगों को सजा दिलाई है इसी तरह हमारी बहन बेटी की भी बात आई और हम तुम्हारे सेवक हैं और हम सेवा करते आएँ, हमारी पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, आज हम आप सबसे ST OC OBC के लोगों से और अन्य जाति वर्ग के लोगों से निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ कि हमारे समर्थन में 1-1 लेटर जरूर लिखें, रोडों पर आएँ और हमारा समर्थन करो और हमारी लड़ाई में सहयोग करें। 2 अक्टूबर गांधी जयंती में आपने आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 2 अक्टूबर को हमारे समस्त सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, यदि इसका निर्णय नहीं होता तो हम हड़ताल पुनः दूसरे दिन भी रखेंगे, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया है कि यदि हमारी बात को केंद्र तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं पहुँचाई तो हम ये हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि